सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। सरकार से खुश हैं? हाँ। मनीषा जी से भी खुश हैं? नहीं, मनीषा जी से नहीं है खुश। मनीषा जी से खुश नहीं है? नहीं। वजह क्या है उनसे ना खुश होने की? वजह कुछ ना कुछ तो है, वो कह जाती पर करती नहीं है। कह जाती है पर करती नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार से आप खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश हैं। तो किसे जिता रही है इस बार? हम तो योगी जी को जिता रहे। योगी जी को? मनीषा जी से नाराज भी है फिर भी उन्हीं को जिताना है? जिताना तो हमें उन्हीं को है। जिता किसे जिता रहे हैं भैया? हम तो चंद्रवती वर्मा के। कोई खास बिजली अच्छे से आती है? पानी की व्यवस्था अच्छी है? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? अच्छे से भी बहुत अच्छे से आती है। पटक दे, हाँ थोड़ा खुल के बात रहे, क्या कह रहे हैं? साण भी बहुत अच्छे आओ, साण देवता बहुत अच्छे आओ, खोल के भी जनता का मारत एक तो मारत की राट में तो एम्बुलेंस काम नहीं करत। हम ये तो भाई प्रधान की उससे है, जो गौशाला बनी है वहाँ गांव के प्रधान को चाहिए कि जो अन्ना पशु है उनकी व्यवस्था करे, उनका खाना पीना वो करे। तो ये क्या मत है? और हमारा मत तो हम चंद्रवती चंद्रवती है। हाँ। अभी ऑफ कैमरा तो मनीषा जी को अच्छा कह रही थी आप। हाँ, कह रहे थे मनीषा जी ने नहीं वो बातें कही। अपन तो कमर भाजपा की कभी दिया नहीं सकन। भाजपा की कभी? हां कभी। नाम बताइएगा ऑडियंस को अपना। कभी नाम बता दो थोड़ा जो लोग देख रहे हैं। ईश्वरदास जी क्यों ना? नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राठ विधानसभा के ओंडेला गांव में खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमसे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर वो किससे खुश हैं, सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। तो हमारे साथ डॉली जी हैं जो हमें बताएंगी कि सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। डॉली जी सही है नाम आपका? डॉली नाम है। हाँ, तो सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। सरकार से खुश हैं? हाँ। मनीषा जी से भी खुश हैं? नहीं, मनीषा जी से नहीं है खुश। मनीषा जी से खुश नहीं है? नहीं। वजह क्या है उनसे ना खुश होने की? वजह कुछ ना कुछ तो है, वो कह जाती पर करती नहीं है। कह जाती है पर करती नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार से आप खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश हैं। तो किसे जिता रही है इस बार? हम तो योगी जी को जिता रहे। योगी जी को? मनीषा जी से नाराज भी है फिर भी उन्हीं को जिताना है? जिताना तो हमें उन्हीं को है। जिताना उन्हीं को है। चलिए बड़ी, क्या क्या किया है वैसे, कुछ बताएंगी? वो आती तो हैं, बोल जाती हैं पर फिर दोबारा नहीं आती। जैसे बुलाने से कह जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, फिर आती नहीं है। आती नहीं है? हाँ। लेकिन फिर भी आपको उन्हीं को चुनना है? हम चुन तो रहे योगी जी को। योगी जी ने क्या क्या किया महिलाओं के लिए? क्या क्या किया महिलाओं की सुरक्षा की? सब कुछ किया। सब कुछ किया। आपके गाँव से क्या लगता है जो महिलाएं वगैरह है वो सब कमल पे ही जाएंगे? कमल पे ही जाएंगे। आप भी अपने नाम बताएंगे ऑडियंस को? हेमेंद्र राजपूत। हेमेंद्र राजपूत, हेमेंद्र जी का क्या मानना है, क्या डॉली जी से सहमत हैं? भाजपा की सरकार आ रही है? हम नहीं है भाजपा की सरकार से बिल्कुल सहमत। हाँ, वजह क्या है, क्यों नाराज हैं? अरे भाजपा की सरकार ने क्या किया यार, अब ये मतलब मार्च तक इनके पास बैलेंस है, बजट है, मार्च के बाद ये मतलब जो ये लोग फ्री दे रहे ये फ्री नहीं देंगे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते, बीए करते। तो युवाओं के हिसाब से क्या लगा आपको, रोजगार को लेकर क्या लगा सरकार? रोजगारी में बिल्कुल है ही नहीं है, हर चीज में देख लो आप, डीजल पेट्रोल गैस है हर चीजों में देख लो। बताइए, ये तो कह रहे हैं योगी जी ने महंगा कर दिया डीजल पेट्रोल, महंगा कर दिया, चूंकि आपको रोटियां बनानी है, बनाती होंगी आप, तो वो कह रहे गैस सिलेंडर भी महंगे हैं, लगते हैं महंगे तो नहीं लगते? महिलाओं के लिए है ना, तो आपको महंगाई की समस्या नहीं है कि वो हजार क्यों नहीं है? महंगाई तो है ना। तो क्या योगी जी से आप योगी जी को जिता रहे हैं? योगी से गुजारिश नहीं कर सकती कि योगी जी महंगाई कम कर दें? नहीं लगता आपको महंगाई कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए क्योंकि गांव में तो ज्यादा समस्या रहती है। गांव में ज्यादा समस्याएं रहती हैं। आप भी नाम बताएंगे अपना? धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी को क्या लग रहा है? हमें जो लग रहा हो कि मनीषा के यार बिल्कुल राम राम है। राम राम है मतलब बड़े बहुमत से जिताना या हराना है? हमें तो बड़ी बहुमत से नकार है, वो जिता है। आप तो राम राम कह रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि आप हरा रहे हैं यहाँ से। हमें तो क्लियर जितवाने हो गए। क्लियर जितवाना है। हेमंत जी किसे जिता रहे हैं? भैया हम तो चंद्रवती वर्मा के। चंद्रवती वर्मा ना कौन वर्मा? आपको क्या लगता है? मेरा तो योगी पार्टी को। योगी जी की पार्टी को मतलब कमल खिलाने वाले हैं मोदी योगी। क्या क्या किया उन्होंने आपके गांव के लिए? क्या क्या किया? अब हमारे गांव के लिए तो ऐसा है कि सबको राशन मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, दो सिलेंडर भी कर दिए योगी जी ने, बहुत अच्छा किया। और बहुत से उनके समस्याएं क्या क्या है गाँव में? समस्याएं तो कोई खास समस्या नहीं है।
कोई खास बिजली अच्छे अच्छे से आती है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, अच्छे से भी बहुत अच्छे से आती है। थोड़ा खुल के बात क्या कह रहे हैं, साढ़ भी बहुत अच्छे आऊ, साढ़ देवता बहुत अच्छे आऊ, खोल के भी जनता का मारत एक तो मारत की राट में तो एम्बुलेंस काम नहीं करत। हम ये तो भाई प्रधान की उससे है जो गौशाला बनी है, वहाँ गांव के प्रधान को चाहिए कि जो अन्ना पशु है उनकी व्यवस्था करे, उनका खाना पीना वो करे, तो योगी जैसा शासन स्वच्छ कोई नहीं। आपका क्या मत है? और हमारा मत तो हम चंद्रवती चंद्रवती है। अभी ऑफ कैमरा तो मनीषा जी को अच्छा कह रही थी, आप कह रहे थे मनीषा जी ने नहीं वो बात कही। अपन तो भाजपा के कभी जा ही नहीं सकन, भाजपा के कभी कभी। नाम बताइएगा ऑडियंस को अपना, कभी नाम बता दो थोड़ा जो लोग देख रहे हैं। ईश्वरदास जी क्यों नाराज है इतने भाजपा से? हम तो बहुत इन्हें देखो देखो जे जितने हैं जे ओबीसी वाले इनके मज्जे चोट दी। नहीं भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए, लोग सुन रहे हैं आप, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। देखो इमें वही हाई कास्ट वालन के मिलो है नाम, जो नहीं की पार्टी है अपन उनकी दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। आप भी नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम है बी सिंह। बी सिंह जी कीखे जता रहे गाँव कीखे जता रहे, पता है कैंडिडेट नाम को खड़ो भोले बाबा के भक्त है, भोले बाबा के भक्त है। तो चलिए हम लोग इस वक्त ओडेरा गांव में थे और ओडेरा गांव के लोगों से हम बात कर रहे थे, लोगों ने हमें बताया, कोई कह रहा है चंद्रवती जी को जिताना है तो कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आप देखते हैं यहाँ से कौन जीतता है। तो आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद। एक सज्जन और हैं जो अभी गाय जो है भगाने जा रहे थे अपने खेत से, उनसे भी बात करते हैं कि सरकार से खुश है या ना खुश है। कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है आपका? गाय भगाने जा रहे हैं, हमारे खेत में गाय घुसी है, खेतों में गाय घुसी है। योगी जी कहते हैं हम जगह जगह गौशालाएं बनवा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, नहीं है व्यवस्था, थोड़ी बहुत अंदर कर लेते हैं और बाकी फसलों का मतलब किसानों का बहुत नुकसान, किसानों का बहुत नुकसान है फसलों का। रात में भी जाना पड़ता होगा, रखवाली जाना पड़ता है, दो तीन बजे तक जागते हैं रात में। ये बताइए इस समय जो जैसे अगर खाद आद की समस्या जैसे डीएपी वगैरह है तो किसानों को समस्या रही है कि मिलती रही है खाद? में लगना पड़ा, दो दो दिन खाद नहीं मिला, एक एक दो दो बोरी मिली, दस दस की जरूरत थी, एक एक दो दो बोरी मिली खाद, एक एक दो दो बोरी। किसको बनवा रहे, किसको जितवा रहे, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, एक चीज और बताइएगा, हम जब भी लोगों से जाते हैं पूछते हैं तो कोई कहता है हमें योगी जी को बनाना, कोई कहना अखिलेश जी को बनाना है, साथ ही साथ जो विधायक आपकी विधानसभा कोई भी बने वो, लेकिन उन्हें बता दीजिएगा मुख्य समस्या किसानों की गिनवा दीजिएगा, ताकि अगर वो विधायक बनता है कोई भी बने तो कम से कम किसानों की इस समस्याओं पर फोकस करे। इस सरकार में किसानों की कोई सुनाई नहीं है। क्या क्या मुख्य समस्या है सरकार किसी की भी बने, मुख्य समस्या क्या क्या है किसानों की? बहुत ज्यादा समस्या, जैसे खाद, बीज, बिजली, पानी, समय पर कुछ नहीं मिलता है, बिजली भी समय से नहीं आती, समय से नहीं आती है, किसानों की सिंचाई होती है उस टाइम पे बिजली नहीं आती है, उस दिन परेशान रहते हैं बैंकों में लेन। आपका क्या नाम है, आप भी नाम बताएंगे? नाम क्या है आपका? हम यहाँ के नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? महोबा के। महोबा के, आपकी विधानसभा में क्या होने वाला है? हमारे विधानसभा में हाँ हाथी चलाएंगे, हाथी चलाएंगे। कौन है हाथी पे उम्मीद और बताएंगे कुछ? हाँ विनोद, विनोद सिंह बगवा। ये चरखारी से हैं, महोबा में संजय साहू जी हैं। आप चरखारी से बिलोंग करते हैं, महोबा से बिलोंग करते हैं? नहीं, चरखारी। आप तो महोबा बोले अभी। महोबा जिला महोबा जिला है, विधानसभा चरखारी। तो चलिए हम लोग इस वक्त ओडेरा गाँव में थे, और भी कोई राय रखेगा अपनी अभी बात रखेंगे। ओलावृष्टि के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा जो। हाँ बिल्कुल, हमारे संवाददाता अवधेश जी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है ओलावृष्टि हुई थी, ओले गिरे थे, क्योंकि किसानों को मुआवजा प्रॉपर, इतने बड़े बड़े गिरे थे, क्या हुआ मुआवजा वगैरह मिला है प्रॉपर? मुआवजा मिला है कितना? जितना नुकसान हुआ था, जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ उसका चौथाई भाग नहीं मिला। ये बताइए जितना नुकसान हुआ है क्या उतना मुआवजा मिला? नहीं, उतना तो कितना मिला है? नुकसान तो 100% का हुआ है। मुआवजा कितना मिला? मुआवजा वो ये हाँ 5%। अब 6,000 रुपए आए, 8 बीघा में मटर, 8 बीघा मटर था केवल 6,000 रुपए आए, 6,000 रुपए। अगर उस हिसाब से उत्पादन होगा तो लगभग कितना होता? 2-2.5 क्विंटल, 2 लमसम तो निकलता ही मटर, 1 लाख के और केवल 6,000 रुपए मुआवजा दिया है। 6,000 दिया है। तो ये सोचिए ये कमी है सबसे बड़ी। अब देखते हैं किसे चुकी, समस्या भी बता रहे हैं, समस्या भी गिनवा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि योगी जी फिर से आने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर 10 तारीख को किसके पक्ष में जनता का जो समर्थन है वो दिखता है, किसकी सरकार बनती है। तो इस वक्त हम ओडेरा गाँव में थे और आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।